चालू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजवान गुप्ता। आज हम जानने वाले हैं कि क्लास को जावा में कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइनिंग अ क्लास, और उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्लास डिक्लेरेशन देखते हैं, डिफाइन अ क्लास। तो क्लास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्लास डिफाइन करने के लिए ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, क्लास, क्लास नेम, एक्सटेंड, सुपर क्लास, ठीक, जो कि ऑप्शनल है, और वेरिएबल डिक्लेरेशन, मेथड डिक्लेरेशन, ये जो कि ऑप्शनल होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास कीवर्ड लिखना होता है। क्लास कीवर्ड जो कि प्री डिफाइन होता है, इसका मीन्स ही कुछ अलग होता है, जो कि क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे, और क्लास का नेम, क्लास का नेम जो होता है वो यूजर या प्रोग्रामर के द्वारा डिपेंड होता है कि वो क्या नाम देना चाहता है क्लास का, ठीक। क्लास नेम दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड मतलब यदि हम ये बेस क्लास में काम कर रहे होते हैं तो एक्सटेंड हम सुपर क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब जो पहला पहला क्लास बनेगा, ठीक, उसको हम इनहेरिट करते हैं किसी दूसरे क्लास में, जो कि ऑप्शनल होता है, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वो भी अगर हम करना चाहते हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड्स के साथ हम कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन होता है, ठीक, और जैसे ही कर्ली ब्रैकेट ऑन होता है, इसके बाद हम इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको पता होगा, और नहीं तो हम आगे बता रहे हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है और मेथड डिक्लेरेशन, ठीक। तो ये तो हुआ सिंटैक्स, लेकिन हम इसी को मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि हम समझना चाहते हैं तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, क्लास जो कि एक कीवर्ड है, ठीक, क्लास नेम हम फ्रूट रख देते हैं, फ्रूट, ठीक, ये हुआ क्लास डिक्लेयर, क्लास नेम, ठीक, और हम इसे ओपन करते हैं और क्लोज कर देते हैं, ये हमारा एक क्लास डिक्लेयर डिफाइन हो जाता है, ठीक। इस तरह से हम क्लास बनाते हैं। अब इसमें से हमें वेरिएबल को ऐड करना है और मेथड को ऐड करना है, ठीक। तो हम ये आगे बताने वाले हैं कि किस तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है और मेथड डिक्लेरेशन, और हम क्लास में किसी भी वेरिएबल और मेथड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो हमने आज क्या जाना कि ये क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, इसमें वेरिएबल्स और मेथड डिक्लेरेशन जो कि ऑप्शनल है, और एक्सटेंड कीवर्ड के साथ जो ये हमने सुपर क्लास देखा है, ठीक, तो ये सुपर क्लास भी ऑप्शनल होता है, अगर हम चाहे तो इनहेरिट कर सकते हैं और चाहे तो इनहेरिट ना भी करें तो भी हमारा क्लास डिफाइन होता है। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, वेरिएबल डिक्लेरेशन और मेथड डिक्लेरेशन। तो धन्यवाद।